नमस्कार साथियों, कुवैत भी भैया अलग अलग नियम लेके आ रही है। नियम ये लेके आ रही है कि बुढ़ापे में भी आपको बीएड की नौकरी ये कॉलेज करवा के छोड़ेंगे आपको। जी हाँ साथियों, कुवैत सरकार ने नियम बना दिया है कि आप बुढ़ापे में बीएड करके या फिर कॉलेज करके हमारे देश में आइए, तब हम आपको जॉब देंगे। पूरी जानकारी के साथ वीडियो बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आपको पता है साथियों, कुवैत सरकार ने बीड़ा उठा रखा है कि साम दाम दंड भेद कैसे भी करके चाणक्य नीति से जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए। जो बाहर के लोग 75% हैं, हम लोग 25% बचे हैं, कहीं हमें मारने दें 75% वाले लोग, जबकि उनकी सोच गलत है। दुबई में 82-85% लोग विदेश के हैं और दुबई इसी वजह से आज वर्ल्ड में टॉप 10 में चल रहा है दुबई। लेकिन ये माइंड की और खुद की सोच पर डिपेंड करता है। कुवैत का सिक्का भारी है, लेकिन भाई भारी होने से कुछ नहीं होता है। हमारे माँ बाप करोड़पति, हमें करोड़ों की जायदाद छोड़ गए और हमें गुण नहीं है उनको मेंटेन करने का, तो वो तो प्रॉपर्टी तो वो छोड़ के गए हैं ना, उसमें हमारा क्या रोल है। हमें कोई घमंड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास ये है, हमने कमाया थोड़ी है, वो तो पहले से है। कुवैत का सिक्का भारी तो है, वो तो चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कुवैत सरकार को सोचना चाहिए कि क्या चूतिया सरकार ये नियम बना के आ रही है। आप लोग गरीब लोगों के ऊपर गर्दन पे छुरी चलाने की सोच रही है। अभी देखिए नए नियम लेके आ रही है, 60 साल के ऊपर वालों को उसी को जॉब मिलेगा जिसके पास कॉलेज की डिग्री होगी। आप सोचिए जी, 2020 में साल चल रही है, 60 साल का आदमी कब जन्मा था उस टाइम उसके पास कॉलेज की डिग्री होती है। ये बोल रहे हैं कि जिनके पास कॉलेज की डिग्री होगी उन्हीं को 60 साल के ऊपर वालों को हम जॉब देंगे, उन्हीं को वीज़ा देंगे, बाकी लोगों को वीज़ा भी नहीं देंगे। हम बंद कर रहे हैं, बंद कर दिया गया है, जितने हैं उनको एक साल का टाइम देके घर भेज देंगे। ये कुवैत सरकार का चूतियापा मैं बोलूँगा इसको, और क्या बोले भैया। या तो मलेशिया साला बेकार कंट्री, वो बेकुल चूतिए कानून बनाता है, या फिर ये कुवैत घुसेड़ रहा है बीच बीच में। लगभग 4-5 लाख लोगों को ये कुवैत निकालेगा, ये फाइनल हो चुका है। वो कैसे भी निकालें, कौन से स्टिक नियम बना के निकालें, क्या करें, वो उनके कानूनों पे वो कानून बनाते जा रहे हैं। कानून साफ साफ बोल दिया है कि मार्च 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। जी हां साथियों, 1 जनवरी 2021 के बाद में कोई वीज़ा नहीं देंगे, अभी वीज़ा बंद है। अब ये मत समझ लेना कि अभी ले लें, हम पहले से ले लें, मार्च का भी टाइम पड़ा है 5 महीने, अभी तो वीज़ा बंद है ना। कुवैत कहाँ से वीज़ा दे रही है, कोई वीज़ा नहीं दे रही है अभी तो, अभी वीज़ा देगी नहीं। 1 जनवरी से लागू कर देगी 2021 से कि भाई 60 साल वाले जो डिग्री हैं, कॉलेज की डिग्री वाले हैं, वो आए। तो भाई 60 साल वाले बंदे पहले तो कॉलेज जाएं 3 साल, फिर वहाँ से डिग्री लें, फिर वहाँ जाके आप नौकरी करें 25-30 हज़ार रुपये की। ये स्थिति कुवैत सरकार ने पैदा कर दी है। जी हाँ, तो भाई ये तो गलत है, मुझे अच्छा नहीं लगा। सीधा सीधा निकाल दीजिए ना यार, बहानाबाजी करने की क्या ज़रूरत है। चलो ये भी कानून सोच लें कि भाई हमारे पास उन्हीं को जॉब देंगे जो लड़के जो बच्चे अगर जॉब के लिए आते हैं वो कॉलेज धारी हों, उनको जॉब देंगे, ये भी समझ में आता है। 60 साल वाले बंदे को जॉब तब मिलेगा जब उसके पास कॉलेज की डिग्री होगी। वाह भाई वाह, अच्छा नियम आया वर्ल्ड में, अभी ऐसा कोई कंट्री ने नियम नहीं निकाला, लेकिन इन्होंने निकाल दिया। क्या कर सकते हैं भाई, कुवैत सरकार से पंगा तो हम नहीं ले सकते, उनकी आलोचना कर सकते हैं, और हमारी आलोचना से उनको क्या असर होने वाला है। बस ये जानकारी आप लोगों से शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें। हर रोज़ कुवैत से रिलेटेड अपडेट आते रहेंगे क्योंकि कुवैत सरकार नए नए अपडेट लेके आ रही है, जो सरकार के पक्ष में है आपके विपक्ष में है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।